हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास सिक्स के मैथ्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स चैप्टर से वर्कशीट टू का क्वेश्चन नंबर टू, जो कि हमारे पास आता है एंड सर्कल द नंबर विच इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ओन नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। दोस्तों, हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं इंटीजर्स के, हमें उनमें से बताना है कौन सा इंटीजर यानी कौन सा नंबर नंबर लाइन के राइट में लाई करेगा। यानी हमारा राइट हैंड कहाँ पे होता है, जिस राइट हैंड से हम खाना खाते हैं, जिस राइट हैंड से हम लिखते हैं, तो कौन सा नंबर राइट में लाई करेगा, कौन सा इंटीजर राइट में लाई करेगा, वो हमें बताने हैं। तो बिना किसी तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इधर नोट्स बना रखे हैं, इस पर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है एंड सर्कल द नंबर विच इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सा नंबर नंबर लाइन के राइट में लाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे है नंबर लाइन, फर्स्ट पेयर हमें दे रखा है थ्री और माइनस वन का। तो नंबर लाइन पर पहले ढूंढो कि थ्री कहाँ पर आते हैं, तो थ्री आता है हमारा यहाँ पर। आप नंबर लाइन कैसे भी बना सकते हो, कितने भी डिजिट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको प्लस के नाइन ही लेना है और इधर भी माइनस का नाइन ही लेना है। आप जितनी मर्जी ले सकते हो, सेवन भी ले सकते हो, फिफ्टीन तक खींच सकते हो, आपकी मर्जी है। तो थ्री हमारा आता है हमारा यहाँ पे और माइनस वन, सेकेंड पेयर हमारा माइनस वन और माइनस वन आता है हमारा यहाँ पे। अब इन दोनों में से राइट में कौन सा लाई करता है, अब इस सम को सॉल्व करने का एक बहुत इजी मेथड है। जिन दो नंबर्स के बीच में आपको निकालना हो, सपोज कर लो कि आप उन दोनों के बीच में खड़े हो, तो सपोज कर लिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बीच में और मेरा राइट हैंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ इधर से, और मेरा लेफ्ट हैंड होगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, राइट में कौन सा है, थ्री है, लेफ्ट में कौन सा है, माइनस वन है। तो हमारा जो आंसर राइट में होएगा वो होएगा आंसर। तो राइट में हमारा क्या है, थ्री। तो थ्री को हमने कर देना है एंड सर्कल और यहाँ पे लिख भी देना है आंसर इज थ्री। ओके दोस्तों, ये था ए पार्ट, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट हमें कह रहा है जीरो और माइनस एट के बीच में बताओ कौन सा राइट में लाई करेगा। तो जीरो आता है हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा जीरो, और माइनस एट आता है हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा माइनस एट। अब इन दोनों के बीच में सोच लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप किस हाथ से लिखते हो, राइट से लिखते हो, तो राइट हैंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यानी इस साइड, और इस साइड क्या है, इस साइड है जीरो, तो यानी राइट में हमारी लाई करेगी जीरो और लेफ्ट में लाई करेगा हमारा माइनस एट। तो आंसर हो जाएगा हमारा जीरो। हम बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट हमें कह रहा है माइनस सिक्स और माइनस फोर के बीच में बताया हो कौन सा राइट में लाई करेगा। तो माइनस सिक्स आता है हमारा यहाँ पे और माइनस फोर आता है हमारा यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में सोच लो, आप बीच में यहाँ खड़े हो, राइट कहाँ पे है, राइट है यहाँ पे, लेफ्ट कहाँ पे, लेफ्ट है यहाँ पे, राइट में कौन सा है, माइनस फोर है, तो माइनस फोर हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल गाइस, मक्खन चीज है, ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आंसर इज माइनस का फोर। डी पार्ट आता है हमारे पास फोर्टीन और माइनस सेवन के बीच में बताओ कौन सा राइट में लाई करेगा। तो फोर्टीन, तो सपोज करो गाइस, अब मैंने यहाँ पर नाइन तक काउंटिंग लिख रखी है, लेकिन नाइन के बाद टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, तो ऐसे करते करते फोर्टीन इधर आएगा बहुत ज़्यादा, और माइनस सेवन है यहाँ पे, माइनस सेवन है यहाँ पे, ये रहा माइनस सेवन, और फोर्टीन होगा बहुत ज़्यादा इधर। तो राइट में कौन सा है, अब जीरो तो इधर है, जीरो के इस साइड क्या होता है, यानी जो से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो होते हैं राइट में, और नेगेटिव इंटीजर होते हैं लेफ्ट में। तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव कौन सा है, 14, तो 14 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जीरो के राइट साइड में है, तो वो ऑब्वियसली राइट साइड में होएगा, तो 14 हो जाएगा हमारा आंसर।
अब हम बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट हमें कह रहा है -9 और -8 के बीच में बताओ कौन सा राइट में लाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -9 हमारे पास आता है यहाँ पे और -8 आता है हमारे पास यहाँ पे। इसके बीच में खड़े होना है हमें, इसके बीच में खड़े हो गए हम यहाँ पे। अब -8 और -9, ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड कौन सा है? -8, तो -8 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर इज -8। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको बीच में खड़े होकर देखना है कि मेरा राइट हैंड कहाँ पे आता है। उसके बाद हमारे पास आता है एफ पार्ट। एफ पार्ट हमें कह रहा है 4 और 7 के बीच में बताओ कौन सा नंबर राइट हैंड में लाइक करेगा। तो 4 आता है हमारा यहाँ पे और 7 आता है हमारा यहाँ पे। इसके बीच में खड़े हो गए आप यहाँ पे, आपका राइट हैंड है ये और लेफ्ट हैंड है ये। राइट में कौन सा है? 7 है, तो 7 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।